दोस्तों बैंक लोन को लेकर आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विलफुल डिफॉल्टर्स के नियमों में रिजर्व बैंक बदलाव करने जा रहा है और आरबीआई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इसकी घोषणा भी कर दी ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। देखिए समझिए विलफुल डिफॉल्टर्स है क्या और इससे लोन लेने वाले ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। 25 लाख रुपए से ज्यादा की उधारी वाले ग्राहकों पर अब सीधी कानूनी कार्यवाही होगी। यानी कि मान लीजिए आपने 25 लाख या इससे ज्यादा का अगर बैंक लोन ले रखा है तो आपके बकाए पर भी विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा। इसकी टाइम लिमिट तय कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई का कहना है कि विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित करने के नियमों को सख्त किया जाएगा। अब देखिए एग्जैक्टली विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है। विलफुल का मतलब होता है दोस्तों इरादतन जानबूझकर और डिफॉल्टर का मतलब चूक करता। यानी इसे आप यूं समझ सकते हैं कि जानबूझकर जो लोग लोन नहीं चुकाना चाहते हैं वो अब बुरे फंसने वाले हैं। आप फिर भटकते रहेंगे, आप पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। आरबीआई का ये नया नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। देखिए आरबीआई ने क्या प्रपोजल रखा। प्रस्ताव में रिजर्व बैंक का कहना कि किसी बैंक खाते के एनपीए घोषित होने के 6 महीनों के अंदर अंदर उन पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा देना चाहिए। इससे उन्हें दोबारा लोन लेने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक तो उनकी सिविल पूरी खराब हो जाएगी और विलफुल डिफॉल्टर का टैग अगर एक बार लग गया तो वो आदमी जिंदगी में फाइनेंशियली पूरी तरह से पिट जाएगा। यूं कह सकते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से उस आदमी का करियर ही खत्म। आरबीआई का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता तो होती है लेकिन वो अपने पैसों से लोन चुकाने के बजाय उस पैसों का कई और जगह पर इस्तेमाल करते हैं और इतिहास भी गवाह है। कई बड़े बड़े लोग भारत के बैंकों का लोन बिना चुकाए लोन खाकर विदेशों में भाग गए। नीरव मोदी, विजय माल्या, अच्छा वो तो करोड़ों में थे लेकिन अब रिजर्व बैंक लोन के नियमों को सख्त बनाने जा रहे हैं या यूं कह सकते बदलने जा रहा है क्योंकि अब सैकड़ों हजारों करोड़ आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। बस केवल 25 लाख रुपए या इससे ज्यादा का भी अगर आपने लोन लिया हुआ है और आप 6 महीने से लगातार किस्त नहीं भर रहे हैं तो बैंक आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकता है अगर आपका एनपीए हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। केंद्रीय बैंक की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया। अच्छा विलफुल डिफॉल्टर का टैग अगर आपके ऊपर लग गया तो इससे होगा क्या, आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आरबीआई के इस प्रस्ताव के बाद आपको कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी भी लोन नहीं देगा। यही नहीं अगर कोई यूनिट जिसके साथ कोई विलफुल डिफॉल्टर जुड़ा होगा तो उसको भी इस प्रस्ताव के अमल के बाद लोन नहीं मिल पाएगा। इस प्रस्ताव के तहत विलफुल डिफॉल्टर को लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आरबीआई के ड्राफ्ट में ये भी कहा गया कि एनबीएफसी को भी इन्हीं नियमों का पालन करते हुए खातों को बेतोड़ विलफुल डिफॉल्टर टैग की मंजूरी मिलनी चाहिए। तो 25 लाख रुपए ऐसे ज्यादा का लोन है, समय समय पर किस्त चुकाते रहे, ज्यादा बकाया हुआ 6 महीने बाद आप पर सिकंजा कसा जाएगा, उल्टे सीधे टैग लगा दिए जाएंगे जिनसे आपको काफी दिक्कत होगी। फिर देश में बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।